नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषा कुमार चैनल में। मैं हूं शेषा कुमार। आज मैं लेकर आया हूं शर्ड्स एंड इंडिकेट्स पार्ट वन, घात एवं घातांक कर्म। इस चैप्टर में सर्स एंड इंडिकेट्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो धज्जी और आदो कॉन्सेप्ट से ट्रिक तक, तो हम घातांक कहते किसे, घातांक कहते किसे हैं उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो किसी संख्या के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक पावर, किसी संख्या के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक पावर हो उस संख्या का घातांक कहते हैं। यदि यदि एक पर पावर एक गुने एक गुने एक पर पावर यानी कि फोर बार लिखा जाए तो एक को आधार यानी कि बेस और फोर को हम पावर कहते हैं। यानी कि किसी संख्या के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक पावर हो उस संख्या का हम घातांक कहते हैं। जैसे तीन पर पावर फोर, ये पॉजिटिव है तो तीन पर पावर फोर है तो इसको हम चार बार ले सकते हैं, 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 81। उसी तरह से दो पर पावर छः, तो छः का लिखा हुआ तो दो पर पावर छः का मान कितना होगा, 64। ये क्या आंसर होगा, जैसे दो पर पावर -2 तो -2, तो यानी कि माइनस को हटाने के लिए देखिए हम फॉर्मूला लिखा है, ए पर पावर एन माइनस बराबर ए पर पावर माइनस एन बराबर वन बट ए पर पावर एन। माइनस को हटाने के लिए वन से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसी तरह से दो पर पावर -1 है तो 1 और बटे दो पर पावर 2, इसको 1 बटे क्या लिख सकते हैं, दो पर पावर 2 का मान कितना होता है 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि किसी संख्या के ऊपर धनात्मक पावर हो या ऋणात्मक पावर हो उस संख्या का हम घातांक कहते हैं। घातांकों का नियम, यानी कि घातांकों का नियम, ए पर पावर एन गुने ए पर पावर एन, यानी कि फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ए पर पावर एन गुने ए पर पावर एन गुने ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एन प्लस एन। जब बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। कब, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। बेस समान रहेगा तो पावर क्या होगा, एड होगा, जब मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए पर पावर एम डिवाइड ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम डिवाइड ए पर पावर एन बराबर फॉर्मूला होता है ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन डिवाइड है तो डिवाइड तो लिख सकते हैं। जब बेस समान रहेगा डिवाइड का चिन्ह रहेगा तो पावर क्या होगा जी, माइनस होगा, ए पर पावर एम माइनस एन। नेक्स्ट, ए पर पावर एन गुने बी पर पावर एन, जब पावर समान रहता है तो बेस गुना हो जाता है, जब बे पावर समान रहता है तो बेस गुना होता है तो ए बी पर पावर क्या हो जाएगा, एन। ए बटे बी पर पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एन बटे बी पर पावर एन। नेक्स्ट, ए पर पावर ए पर पावर पर पावर एन, तो ए पर पावर एम एन हो जाएगा। ए पर पावर जीरो पर हमेशा वन होता है, ए पर पावर जीरो का मान हमेशा वन होता है। ए पर पावर माइनस एन बराबर वन बटे ए पर पावर एन, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, वन से डिवाइड करते हैं। ए बटे बी पर पावर एन बराबर, जब माइनस का साइन रहेगा तो बेस को प्लस जाने पर पावर का साइन क्या हो जाता है जी, बदल जाता है। तो ए बटे बी पर पावर माइनस एन बराबर बेस को पलटने पे पावर का साइन बदलता है, तो बी बटे ए बी बटे ए पर पावर एन, यही आपका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पावर यानी कि घात, इसको याद रखिए। इसको याद रखने से आपको क्या होगा कि किसी भी पावर को तुरंत आपको याद रहेगा तो उसको ड्रॉ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए इसको पावर कुछ याद रखिए। जैसे दो पर पावर दो का मान 4 होता है, दो पर पावर 3 का मान 8 होता है, दो पर पावर 16 का मान 4 का मान 16, ये निकलता पावर कैसे है। जैसे देखिए दो पर पावर 2, जिसको पावर 2 है जिसको हम 2 × 2 इसका क्या हो जाएगा जी, और इसी तरह से हम सभी पावर को निकाल सकते हैं और ये पावर आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए पर पावर एम, ए पर पावर एन ए पर पावर एम बटे एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 दिया 6 पावर पावर गुना हो जाता है तो 2 दिया क्या हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या 2 पर पावर 6 का मान अभी हम लिखा है, पावर याद रखने के लिए बोले थे तो पावर 2 पर पावर 6 का मान कितना होगा, 64। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखिए 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 तो 3 दिया
9 और 3 पर पावर 9 का मान याद रखते थे, अगर याद है आंसर दिया हुआ तो क्या होगा 65 एग्जैक्टली, यही आपका क्या होगा आंसर। 3 पर पावर 4 पर पावर 3 पर पावर 4 तो 4 किया कितना हो जाएगा 12, 3 पर 4 पर पावर 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट, a पर पावर x पर पावर y, तो a पर पावर x गुणे डॉट 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 y बार लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, यानी कि a का मान क्या हो गया 3 और 2, x का मान 2 और y का मान 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना है जी 3 बार है, इसलिए 2, 2 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, इसीलिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 पर पावर 8, ये आपका क्या होगा। उसी तरह से 2 पर पावर 3 पर पावर 2, तो 2 को कितना बार लिख सकते हैं 3 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि पावर स्क्वायर है, तो इसको 3 गुने 3, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा यही आपका क्या होगा आंसर। पावर 3 पर पावर 2 पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 2 पर पावर 3, तो इसका मतलब देखिए ये 3 को पावर 2, तो 2 कितना बार 3 बार लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो द्वितीया यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिख सकते हैं, माइनस a पर पावर m n बराबर क्या फॉर्मूला, a पर पावर m n, तो द्वितीया क्या हो जाएगा जी 6। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 पर पावर 8 माइनस 3 पर पावर 6, अब 3 पर पावर 6 क्या है कॉमन आ रहा है, तो इसको 3 पर पावर 6 और क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, जब बेस समान रहता है मल्टीप्लाई का सिंबल आता तो पावर क्या होता है जी जुट जाता है, माइनस 3 पर पावर क्या हो जाएगा जी 1। अब 3 पर पावर 6 का मान 7 पर कितना दिखाई दे जी 29 गुने 3 दिया 9 माइनस 1 729 गुने 9 से जाएगा तक 58 32, यह आपका क्या होगा। पॉइंट 8 पर पावर 12 गुने 4 पर पावर 15 डिवाइड 64 पर पावर 8 इक्वल टू 2 पर पावर x हो, तो x का मान क्या होगा, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन ले तो यहां इसमें कितना बेस है, तो 2 है तो सभी को 2 को बेस में लाइए, अब इस तरह से 2 को बेस में लाइए तो सभी क्या हो जाए 2 के बेस के बराबर हो जाए, तो अब इसको हम 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब कितना होता है जी 8, क्यों, क्योंकि हम 1 को फैक्टर किए 2 पर पावर 3, इसीलिए 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, अब पावर कितना है 2 है 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है, इसी तरह से 2 दूनी 4 2 पर पावर 2 15 डिवाइड 2 पर पावर 5 का मान 32 2 पर पावर 6 का मान 64 होता है इक्वल टू 2 पर पावर x। अब देखिए क्या होता है जी a पर पावर mn, a पर पावर mn बराबर फार्मूला लिखा दे a पर पावर mn, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 36 गुने 2 पर पावर 15 गुना 30 डिवाइड 2 पर पावर 48, 2 पर पावर क्या हो जाएगा जी x, जब बेस समान रहता है, जब बेस समान रहता है और गुना का साइन रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है, तो 2 पर पावर 36 प्लस 30 माइनस, जब डिवाइड का चिन्ह आता तो पावर क्या होता है जी घटता है 48 इक्वल टू 2 पर पावर x, अब 2 पर पावर क्या है इसको जोड़िएगा तो 2 पर पावर 18 हो जाएगा, इसको जोड़िए और इसको घटाइए 18 आ जाएगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा x, बेस सवाल है कैंसिल तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, ये आपका क्या होगा आंसर। 9 पर पावर 18 गुने 27 पर पावर 15 इक्वल टू 3 पर पावर x हो तो x का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जी 18 दुनी 36 गुने 45 इक्वल टू 3 पर पावर x, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा 36 और 45 कितना होता है जी 81 3 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर x, बेस समान हो गया कैंसिल तो x बराबर कितना हो जाएगा 81। क्वेश्चन 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 3.6 मल्टीप्लाई 12 पर पावर 4.8 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 3.6 6 पर पावर 7.2 गुने 2 पर पावर 7.2 बराबर 12 पर पावर x हो तो x का मान क्या होगा, तो जब भी बोले अगर जब भी रहे तो इस तरह से आप 12 को क्या लेना है सभी को बेस मिलाना है, तो अब देखिए 3 पर पावर
3 पर पावर 3.6 और 4 पर पावर 3.6। अगर इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यों, क्योंकि a पर पावर n गुने b पर पावर n बराबर फार्मूला लिखा है, जब पर पावर समान रहता तो बेस गुना हो जाता थे, a b पर पावर क्या होगा n, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 किया कितना हो जाएगा जी 12, 3 पर पावर 6, ये तो 12 पर पावर कितना है 4.8। आप देखिए ये भी क्या हो जाएगा कि 6 दुनी 12, पावर समान है 7.2 और 7.2, तो बेस गुना हो जाएगा 6 दुनी 12 पर पावर 7.2 इज इक्वल टू 12 पर पावर है। अब सभी में बेस क्या है जी समान है तो पावर जुट जाएगा, तो 12 पर पावर कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 4.8 प्लस 7.2 इज इक्वल टू 12 पर पावर x। अब देखिए बेस क्या हो गया जी समान हो गया, तो बेस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना 15.6, ये आपका क्या हो जाएगा, सभी को 8 की जगह क्या हो जाएगा 12.6, ये आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पर पावर x प्लस 2 प्लस 2 पर पावर x माइनस 2 इक्वल टू 136 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको इस तरह से a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर n प्लस है, जब बेस समान रहता तो पावर क्या होता है कि जुटता है, तो उसको 2 पर पावर क्या लिखा है जी x प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x गुणे 2 पर पावर 2, जब बेस समान रहता तो पावर क्या होता है जुटता है, तो इसको इस तरह से इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं तो 2 पर पावर x गुणे 2 पर पावर 2, जब बेस समान रहता तो पावर जुट जाता फिर प्लस। अब देखिए माइनस का साइन है, तो 1 पर पावर m डिवाइड और a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n, जब बेस समान रहता तो विभाग का चिन्ह आता तो पावर घटता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x बटे 2 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर x और 2 पर पावर x क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाले तो क्या बच गया 2 दूनी 4 प्लस 1 बटे 2 पर पावर 2 का मान कितना तो इक्वल टू 136। अब देखिए 2 पर पावर x गुने 4 चौके 16 एक 17 बटे 4 भिन्न का जोड़ किए हैं इक्वल टू 136, 17 के 36 से तो अब 17 के 36 से तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पर पावर x बराबर कितना 32, तो 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 5 का मान कितना होता 32, बेस समान हो गया तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना 5, ये आपका क्या होगा पावर x प्लस 1 प्लस 3 पर पावर x हो बराबर 108 हो तो x का मान क्या होगा, उसी तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर x गुणे 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर x इक्वल टू 108। अब देखिए 3 पर पावर x 3 पर पावर x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 3 पर पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 108, तो 3 पर पावर x 3 पर पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 108, गुणा में तो भाग ना जाएगा कैंसिल कर देते हैं, तो 4 * 8 2 शेष 4 7 28, तो 3 पर पावर x बराबर 27, तो क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 का मान तो 27 लिख सकते हैं, बेस समान हो गया कैंसिल 3 यही क्या हो जाएगा x बराबर 3। 5 पर पावर x = 3125 हो तो 5 पर पावर x - 3 का मान क्या होगा, तो बेस को समान कीजिए तो 5 पर पावर x और 5 पर पावर 5 का मान कितना होता है जी 5 पर पावर 5 का मान 3125 होता है, फैक्टर कर सकते हैं, तो अब बेस क्या हो गया जी समान हो गया, तो x बराबर कितना 5। अब क्या करना है 5 पर पावर x माइनस 3 का मान क्या होगा, तो 5 x का मान कितना निकला 5, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 बराबर कितना 25, ये आपका क्या होगा आंसर। 64 पर पावर 2 माइनस x इक्वल टू 4 गुने 1 पर पावर x माइनस 4 होता है, x का मान क्या होगा, तो इसको 2 पे पावर 6 तो लिख सकते हैं 64 होगा, 2 पर पावर x माइनस 5, 2 पर पावर 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 पर पावर 3 लिखेंगे तो 8 नहीं होगा जी और x माइनस 4। अब इसको देखिए पावर गुना कर देते हैं, तो 2 पर पावर 6 दूनी 6 दूनी 12 x माइनस 6 5 30 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 पर पावर 5 इक्वल टू x माइनस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा जी बेस क्या हो गया समान हो गया कैंसिल हो गया, तो 12 12 पर 12 x माइनस
30 इसका इसको पूरा कीजिए 5x माइनस 4 20 होगा जी 30 होगा ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा जी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो क्या हो जाएगा तो 12 माइनस 5 जाएगा तो 7x इसका ये नेगेटिव है तो क्या जाएगा जी पॉजिटिव माइनस 20 और प्लस 30 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा जी 10 तो x बराबर कितना 10/7 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं सर्स एंड इंडिकेस के पार्ट 2 में। बाय बाय।